मित्रों, अपने आप को हृदय से किसी को समर्पण कर देने का नाम ही प्रेम है। प्रेम अनमोल है। प्रेम इंसान को जीना सिखाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर सिंह राशि में चौथे भाव में होगा। 2 अक्टूबर से वो सिंह राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि स्वामी हैं और शुक्र गोचर में चौथे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, और आपके पंचम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं। बुध का गोचर देखें तो 1 अक्टूबर से कन्या राशि में ही आ जाएंगे, यानी पंचमेश का गोचर पंचम भाव में ही हो जाएगा। 19 अक्टूबर से वो तुला राशि में गोचर में जाएंगे, तो वहाँ पर छठे भाव में भी बुध गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर हम देखें आपके सप्तमेश में मंगल की बात करें, तो वृश्चिक राशि है, सप्तम भाव में स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर अगर देखें तो 3 अक्टूबर से तुला राशि में आ जाएंगे, यानी छठे भाव में मंगल भी गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिए जो ग्रह गोचर स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर भी दशम भाव में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे शनिदेव, तो कुल मिलाकर सामान्य परिणाम वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंधों के मामले में। जो आपका अक्टूबर का महीना होगा वहाँ पर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांटिक समय गुजारेंगे, रोमांस से भरपूर समय होगा, और अगर नए प्रेम संबंध हैं बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत होगी, मुलाकातें भी ज़्यादा होंगी, और आप देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करेंगे, यानी ज़्यादा भरोसा भी बढ़ने वाला है। पुराने प्रेम संबंधों में भी कनेक्टिविटी अक्टूबर के महीने में अच्छी रहने वाली है, और आपकी मुलाकातें भी हो सकती हैं, रोमांस भी देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। अक्टूबर का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो आप देखें 1 अक्टूबर से लेकर और 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है, संबंध भी अच्छे रहेंगे, परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। 19 अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और अगर आप साथी की तलाश में हैं तो साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। अपने साथी के साथ स्पष्टता से बात करें जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, और अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, आप सॉरी भी बोल सकते हैं और अपनी सच्चाई अपने साथी के सामने रख सकते हैं। और अगर आप दोनों प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी और दोबारा से आपके संबंध मजबूत होंगे, आपका साथी वापस आ सकता है, और 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के समय में आप प्रयास कर सकते हैं, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका साथी दोबारा से प्रेम संबंध में वापस आ सकता है और आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं या फिर आपका साथी ईमानदार नहीं है तो फिर आप देखेंगे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आसानी से समाप्त नहीं हो पाएगी, और अगर आपने ज़्यादा प्रयास किया समाप्त हो भी गई तो फिर जल्दी से वाद विवाद देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपके साथी की राशि वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे प्रेम संबंधों में।
वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि स्वामी मंगल 3 अक्टूबर से तुला राशि में रहेंगे। वहां पर केतु भी गोचर में रहेंगे और तुला राशि में अगर हम देखें तो 19 अक्टूबर से पंचम भाव के स्वामी भी रहेंगे। तो आपको एक तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, मान लीजिए उसको कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या है, तो आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर वो समस्या परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने साथी का ध्यान रखें और आप ये भी ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में किसी भी तरह की बहस से बचकर रहें। बहस बिल्कुल ना करें। अगर आप बहस करेंगे तो परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। अगर आपने मधुरता नहीं बनाई, आपने क्रोध दिखाया, आपने अहम दिखाया, तो वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो अक्टूबर के महीने में आसानी से समाप्त नहीं हो पाएगा। आप ज़्यादा प्रयास ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं, उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। वहाँ पर आप 19 अक्टूबर तक के समय में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आप देखेंगे वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मतभेद हैं तो वहाँ पर सफलता मिलने के चांस काफ़ी कम रहेंगे अक्टूबर के महीने में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर शंकाएँ और गलतफहमियाँ ज़्यादा जल्दी हो सकती हैं। इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार की शंकाएँ आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बाकी सामान्य परिणाम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए तो अच्छा समय है, वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन वहाँ पर वाद विवाद भी बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल सकते हैं आपको अपने जीवन साथी के साथ। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वृषभ राशि वालों को अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्रवार वाले दिन आप किसी गरीब महिला को चावल या चीनी का दान कर दें, आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और बुधवार के दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, और कुछ नहीं है तो आप आटे की लोई भी दे सकते हैं। आप 5 आटे की लोई बुधवार के दिन बनाएं और उसमें मूंग भर दें, लोई के अंदर आप मूंग भर दें और साबुत मूंग भरें। और वो कैसे भरनी है, आप मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग साफ पानी में भिगो दें और बुधवार की सुबह अपने हाथों से उसे निकालें और 5 लोई बनाएं। एक एक मुट्ठी मूंग पांचों लोई में भर दें, बड़ी सी लोई बन जाएंगी। आप 2 या 3 गाय को भी खिला सकते हैं, 5 गाय को भी खिला सकते हैं, 1 गाय को भी खिला सकते हैं। ये उपाय आप बुधवार के बुधवार करें मित्रों, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के अक्टूबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वृषभ राशि वालों का अक्टूबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।